ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਲਕਾ ਆ ਰਿਹਾ लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का। Alright, so hey guys, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलो ना, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हाँ, आज हम लोग काफ़ी जल्दी उठ चुके हैं हमेशा की तरह, बट आज सबसे नई चीज़ ये हुई कि तुम्हारा भाई काफ़ी टाइम बाद नहाया। मैं अराउंड 2 दिन बाद नहाया हूँ क्योंकि ठंडा इतना हो रहा था ना इस चक्कर में, बट अब से हम लोग रोज़ नहाएंगे क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है ना। सो गाइस फाइन भाई, पर कॉलेज जा रहा हूँ मैं, व्लॉग कर रहा हूँ घर में, तुम्हारे घर के काम के लिए नहीं हूँ मैं। सो गाइस फाइनली हम लोग जस्ट कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। बाय बाय। हम लोग घर में तो हो रहा है काफ़ी हल्ला क्योंकि मेरे ताऊ जी हम कुछ बात कर रहे हैं। फिलहाल के हम लोग निकलते हैं कॉलेज, अराउंड 10:45 का टाइमिंग था एंड 10:44 हो चुके हैं। हाँ हाँ, ये जूली इतना फर्जी हो चुका है ना, ये टंकी है ना जो, ये अपने साथ साथ ना उसने उसे भी घुमक्कड़ बना दिया। हमारा पूरा परिवार आ गया, हमारा पूरा परिवार अंदर बैठा हुआ है, ये जूली को घुमा रहा खेतों में अपने साथ साथ। कहाँ वो टंकी भोटिया और कहाँ वो लासा ऐप्स। छोटा सा तो है, घास में छुप जाता, दिखता भी नहीं। फिलहाल के हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, आई डोंट नो क्यों, बट हम लोग हो चुके हैं। जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है तो फटाफट स्टॉप में पहुँचते हैं, तुम लोगों से मिलते हैं। ठीक है, मेरे को तो लगा था कि हम लोगों की ना बस छोड़ गई, अब हम लोग सैलोकी वाली बस में जाएंगे गाइस, बट तुम्हें पता है मैं टाइम का कितना पंक्चुअल हूँ, हो कि नहीं भाई? मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, तो हम लोग फाइनली सही टाइम में पहुँच चुके हैं एंड अब हमारी बस नहीं छूटी। सब सही, क्या बोलो, चश्मा सेम सेम पहनेंगे? भाई मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ भाई, मैं गेट में ना कम से कम पहली बार जिंदगी में खड़ा हुआ 10 मिनट। ठीक है, पहली बार तो नहीं था क्या? अकेले मैं सच में पहली बार खड़ा हूँ, किसी का वेट करा है एंड ये तब से आ रही थी। एक और चीज बताता हूँ, पहले मैं बताती हूँ कि मेरे को ना ये अगर मैं अंदर भी पहुँच जाती हूँ ना तो मुझे बोलता है प्लीज मेरी बहन नहीं है क्या, बाहर तो आ जाओ, ये तेरी बहन है, ये है तेरी दोस्ती। तो फिर अनुराग भैया भी तो करते है ना भाई, भैया दीदी के लिए ये तो 2 मिनट खड़ा हुआ नहीं, जस्ट मैं तो थक गया, जस्ट मुझे बेहोशी आ रही, जस्ट मैं अकेले खड़ा हूँ, जस्ट मैं धूप में। उसके बाद पहले तो भाई तुम टाइम की पंक्चुअल ना सीखो, इसकी आज बस छूटी। सिखा कौन है ये विक्रम में? मैं तो भाई मैं तो नहा के आया हूँ, लोग तो नहा के भी नहीं आते, लोग तो नहा के भी नहीं आते। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्टिवा से आऊंगी क्योंकि लोग तो नहा के भी नहीं आते, इसके एक्टिवा में ब्रेक नहीं है, इसके एक्टिवा में ब्रेक नहीं है, लोग तो नहा के भी नहीं आते। सबसे पहले नहाता हूँ, कितने दिन बाद? क्यों कितने दिन बाद नहीं क्या? हर 2 दिन में नहाती हूँ, हर 2 मैं तो रोज नहाता हूँ, रोज नहाता हूँ। एंड दूसरी चीज, ये ना गेट में खड़ी होगी, ये गेट में खड़ी होगी ठीक है, एंड उसके बाद इसे आने दे क्योंकि इसने जीन्स पहनी थी ठीक है ये वाली, बट ये एक इवेंट में आज के, इस वजह से आने दिया, वरना लोग तो प्रॉपर ड्रेस में भी नहीं आते भाई, इतना नहा के आते हैं। वैसे प्रॉपर ड्रेस ही है, हम तो टाइम टू टाइम आते हैं। फिलहाल के हम लोग अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं ठीक है। मेरा गला खराब हो रहा है, यही खराब है पूरी। सच सच बताना कि जो ये वाला वो है ना फ्रेम, ये इस पे ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। देखो तुम्हें तुम्हारे मम्मी तुम्हारी मम्मी कसम, सच सच बोलना, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ अगर तुम इसको ये बोलोगे, बट जरूर बोलना कि ये चश्मा किसने पहना है अगर इसके लिए बोलोगे तो। सो गाइस आज से ना डेली कॉलेज व्लॉग्स की सीरीज का 1 है। फिलहाल के लिए काफी बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि सारे आउट ऑफ टाउन है, कुछ टाइम बाद 15 तक आएंगे ना सारे, 15 तक सब आ जाएंगे। एंड बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ एक कॉलेज व्लॉग सीरीज में क्यों नाम दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ 1.5 महीना कॉलेज जाना है, उसके बाद वी विल गो फॉर इंटर्नशिप, मैं सारे बच्चे इंटर्नशिप करेंगे एंड उसके बाद एक सिर्फ लास्ट व्लॉग आएगा कॉलेज का फेयर वेलकम, उसके बाद को भी जिंदगी में कॉलेज व्लॉग्स नहीं आएंगे। हाँ हम लोग बाहर सारे मिलते रहेंगे, बट कॉलेज के अंदर जो ये ड्रेस, ये दोस्त लोग, ये कॉलेज की जितनी भी सब चीज़ें वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तो हाँ मेरे तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस डेली कॉलेज व्लॉग सीरीज को जितना प्यार दिखा सकते हो ना दिखाओ, क्योंकि लास्ट ये उसके बाद नहीं आएंगे। यहाँ से कितना मस्त लगता है ना भाई व्यू, बढ़िया नहीं लगता मजे? मुझे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, तुम्हारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हम लोग रील शूट कर रहे थे ना, रील शूट कर रहा है बाबा पंडीर, क्या ले भाई बढ़िया। बंदा बोलता है कि इस उम्र में मेरे को बंदिया बनानी चाहिए, कहाँ मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, कोई बात नहीं, मैं भी सिंगल हूँ, मेरा भाई भी सिंगल है, लूसी शर्मा। और बताओ, और
सो गाइस फाइनली हम लोगों की जो क्लासेस थी एडवांस वीडियो प्रोडक्शन की वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि 4 बजे हमारी बस जाती है। फिलहाल हम लोग निकलते हैं, हम तो जाएंगे ये वाली लिफ्ट से। बेसिकली हमारी एडवांस वीडियो प्रोडक्शन की थी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। हाँ, बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, तुम लोगों से वही मिलते हैं अगली सीट में। सो गाइस फिलहाल के तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे माओ के पास, ठीक है, एंड वो तो जा रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने, बट मैं नहीं खेल रहा हूँ क्रिकेट, अब फुटबॉल वाले। सो गाइस हम लोग जैसे ऐसे गए थे कॉलेज के बाहर, हम तुम्हें मिलाते हैं इधर भाई। बाय द वे मेरे को ना भी बहुत हंसी आ रही कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि ठीक है ये पता नहीं कि इसका ना हाथ कहाँ पर इसका फोन है कि मैं गिर गया, ये ना कहीं से छिल के आ रहा था भयंकर है इसका ना। देखो ये हाथ में यहाँ पे लगी हुई घुटने छिले हुए, यहाँ से खून आ रहा था अंदर। फिलहाल के लिए हम लोग गए थे टक शॉप लहर लेने, लहर दिखाओ, ये वाली लहर लेने गए थे। एक लहर तो ये एक लहर यहाँ दिखाओ, इधर दिखाओ कन्ना, एक लहर तो ये है इसे पूरा पूरा भिंडा हुआ पता मिट्टी से, बच गया भाई आज कसम से बता रहा हूँ, वरना इसका इंस्टाग्राम मुझे देखने पड़ता है। सी बी ब्लॉग्स क्या लगता है कुछ कर पाएगा कि नहीं? नहीं लगता है, हीट लेगा। मेरे दोस्त भी ना गए, सारे लपाड़ो आए गाइस। फाइनली इन लोगों ने क्रिकेट खेल दिया, ठीक है, एंड हम लोग पी रहे हैं बेसिकली भी चाय, एंड भैया ने इतनी मस्त चाय बनाया ना भाई। सो गाइस हम लोग जस्ट निकल रहे हैं एंड ये लोग मेरे को बाहर छोड़ने जा रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, हेल्प कर सकते हैं आप सब, पर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। चिलावा है एंड किसी ने तो और मेरे छपरी दोस्तों का क्या हाल है, क्या हुआ कैमरा दिखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन बटोला। अमन बटोला जी आप मेरे को बताएं कि ये जो इतना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, ये किस वजह से हो रहा है? चैतन्य आए हैं इस वजह से? जी देखिए भीड़ तो होगी हमारे साथ, कहाँ जाना है, अंदर इतने प्रसिद्ध ब्लॉगर देखिए, साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी जुड़ा हुआ है। देखिए खुद की तारीफ करता है बस की तरह संजू भाई। बाय गाइस सी यू टुमारो। नंबर कौन सा है उसका? चलो ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना। ओके ब्रो, बाय बाय। हाथ मिलावा भाई, छिलावा भाई, ये पूरा ऐसे होता है वुमेन्स गाइस, वुमेन्स। एक बार एक तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम लोग घर पहुंचे अराउंड 5:08, ठीक है, एंड अब फटाफट चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फुटबॉल खेलने जाएंगे। हेलो टंकी, हेलो चिंदी, इसके ने कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई और इसका ना देखो मुंह सूज रहा, कहाँ था इस तरफ से कि कहाँ से मुंह सूझा वैसे, और करो लड़ाई, लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का। घर आके इतना सुकून मिलता है ना चाय पीने के बाद, खेलने के बाद फुटबॉल खेलने का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जो मेरी भाभी है ना वो अपने मायके से आई है, तो भाभी हमारे लेके आई है अरसे। बॉय इतने मस्त होते हैं ना ये अरसे, एंड जिसको अरसे का मतलब नहीं पता, बेसिकली हमारे गढ़वाल में ना एक स्वीट होती है, इतनी मस्त होती है ना, गुड़ और चावल से बनती है। मेरे को सिल्क दे दे, तू मेरे को सिल्क दे दे, एक काम कर तू वाली खा ले चॉकलेट, मतलब मेरे को ना सिल्क आती है और इसको भी ना ये वाली सिल्क आती है। चॉकलेट था ना तो पापा चॉकलेट ले गए थे, तो अब मम्मी क्या करिए चाकू से ना दोनों चॉकलेट आधी आधी, मेरी तो इसी पन्नी में डाल दो और दोस्त को देनी हो चॉकलेट। बता अगर मैं खाऊंगा भाई नहीं लगेगा, उसमें डालो। तो फटाफट हम लोग ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं क्योंकि मेरे को भी काफी नींद आ रही है एंड मेरे को एक व्लॉग भी एडिट करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बी सेफ एंड स्टे सेक्सी बेबी, बाय।